हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सुबह हो चुकी है, मैं नहा धोकर अपने लड्डू गोपाल को जगाने के लिए आ गई हूँ। घंटी बजाकर या फिर ताली बजाकर मैं उनको उठा देती हूँ। तो मैं अपने लाला को उठा देती हूँ, प्यार के साथ बोलती हूँ उनको, लाला उठ जाइए, सुबह हो गई है। तो इस तरीके से मैं अपने लाला को हर रोज़ जगाती हूँ। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं सेवा तो करना चाहती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ। तो देखिए, जो सेवा करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, ये एक अलग विषय है। तो देखिए, जिनके छोटे बच्चे हैं या फिर जो लोग जॉब पर जाते हैं, तो उनकी बात तो समझ में आती है। वो लड्डू गोपाल हैं उनके घर में और वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कभी जन्माष्टमी आती है तो उनको स्नान करा दिया, या फिर उनका बर्थडे है तब उनको स्नान करा दिया, या फिर कोई फेस्टिवल है तो उनको स्नान करा दिया। तो बहुत से लोगों के घरों में यही होता है। जब कुछ फंक्शन होता है तब उनको अच्छे वस्त्र धारण कराए जाते हैं, उनको श्रृंगार किया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है। और कुछ लोगों के घरों में लड्डू गोपाल की सेवा इस तरीके से होती है मानो एक छोटे बच्चे हैं, जैसे वो छोटे बालक हैं। जिस तरीके से अपने बच्चे की हम देखभाल करते हैं, उसी प्रकार कुछ घरों में लड्डू गोपाल की इस तरीके से सेवा की जाती है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हम सेवा तो करना चाहते हैं पर हमारे यहाँ कभी किसी ने की नहीं है शुरू से, और ऐसे ही लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, जैसे कभी फेस्टिवल होता है तो भोग लगा दिया कुछ अच्छा बना है तो, वरना ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो देखिए, आपका मन करता है सेवा करने का पर कर नहीं पाते हैं, तो क्या कीजिएगा? आपको याद नहीं रहता या फिर? तो देखिए, जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा वक्त बीतता हो और जहाँ से आप ज़्यादा बार निकलते हैं, चल के जाते हैं, तो उस जगह पर आप इनको बिठाइएगा, अपने लड्डू गोपाल को अपने घर में, जिस जगह पर आप सबसे ज़्यादा बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और जहाँ से ज़्यादा बार निकल के जाते हैं। तो आप देखेंगे लड्डू गोपाल आपके सामने पड़ेंगे। जब भी आप जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, आपकी नज़र पड़ेगी उनकी तरफ, और आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, तो आपको मन में थोड़े दिन होंगे धीरे धीरे भाव आएगा कि ये बेचारे लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रहते हैं, क्या मुझे, आपको कुछ भी अलग से करना नहीं पड़ेगा। आप स्टार्टिंग इस तरीके से करके देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं आप, तो जहाँ आप बैठते हैं वहाँ अपने लड्डू गोपाल को बिठाइएगा। आप जब सोचेंगे मैं इस टाइम में बैठी हूँ तो क्यों ना मैं लड्डू गोपाल को, जब आप जैसे भोजन बना करके लेकर जा रहे हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए, या फिर अपने घर परिवार में किसी भी सदस्य के लिए या अपने पति के लिए, तो आप देखेंगे मैं भोजन लेकर ही जा रही हूँ, क्यों ना मैं इनको भोग लगा देती हूँ पहले। तो आपको वो रूटीन में धीरे 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 जैसे आपके मन में प्रेम जागेगा, आपका भाव जागेगा, तो आपका मन स्वतः ही सेवा के लिए करने लग जाएगा। आप एक बार ये उपाय जरूर करके देखिएगा। आप नहीं कर पाते हैं वो एक बात अलग है, आपके छोटे बच्चे हैं या फिर जॉब करने आप जाते हैं और करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो ये गलत बात है। तो देखिए, आपका मन है करने का तो सेवा पूजा अर्चना जरूर करिएगा। जब आप करने लग जाएंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और आपको उनकी हैबिट हो जाएगी। तो देखिए, एक आपको मैं स्टोरी बताती हूँ, लीला बताती हूँ। एक भक्त हैं, लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करते थे वो, बहुत उनको मन में ये थी, ये लालसा थी कि मैं इनकी सेवा करूँगा, इनकी सेवा करने से मेरे पास भी पुत्र हो जाएगा, मेरा भी घर हो जाएगा, घर बन जाएगा, मेरे पास भी गाड़ी होगी, कई सारे घर होंगे। तो ऐसे वो उस भाव से सेवा करने लगे उनकी। काफ़ी टाइम बीता, कोई उनको उनसे कुछ नहीं मिला। लड्डू गोपाल की तो सेवा करते रहे, ना उनके पास गाड़ी हुई, ना घर हुआ, तो उनको लगा मेरे जो लड्डू गोपाल हैं, मेरे भगवान जो हैं, मेरे बारे में ज़रा भी नहीं सोचते हैं। तो मेरे सामने जो इंसान रहता है वो माता का भक्त है, माता रानी का भक्त है, माता रानी की मूर्ति की पूजा करता है,
तो देखिए उसके पास कितने सारे घर हैं, बंगले हैं, कई सारी गाड़ियां हैं, उसके पास बेटा भी है, सब कुछ है, उसके पास पैसा भी है। तो क्यों ना मैं, ये तो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनको बदल करके दूसरे भगवान की सेवा करने लग जाऊँ, क्यों ना मैं भी माता रानी ले आऊँ। तो वो व्यक्ति क्या करता है, माता रानी की एक मूर्ति ले आता है, अपने मंदिर में स्थापित करता है और उनकी पूजा सेवा, उनकी आरती, उनका भोग, उनका ख्याल रखना शुरू कर देता है। तो वो सोचता है कि जैसे वो सेवा करता है, उसके पास सब कुछ हो गया, मैं माता रानी की सेवा करूँगा तो मेरे पास भी सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ माता रानी की कृपा से हो जाएगा। तो जैसे जब वो अपना मंदिर में माता रानी को स्थापित करता है तो मंदिर में इतना स्पेस नहीं होता है कि वो मंदिर में लड्डू गोपाल को भी स्थापित कर सके। तो वो क्या करता है, लड्डू गोपाल को मंदिर के ऊपर रख देते हैं, वो रख देते हैं। तो जब वो पूजा अर्चना हर रोज की तरह करते हैं, माता रानी की मूर्ति को वहाँ पर स्थापित कर देते हैं, तो वो क्या देखते हैं, जब धूप दीपक जला करके पूजा आरती करते हैं, तो जब वो धूप जलाते हैं तो देखते हैं कि उसका जो धुआं है लड्डू गोपाल की नाक में जा रहा है, लड्डू गोपाल की नाक में जा रहा है और लड्डू गोपाल इसकी सुगंध ले रहे हैं वो। तो वो जब देखता है कि मैंने तो माता रानी के लिए ये धूप जलाई है और ये लड्डू गोपाल तो फ्री फंड में ही इसकी खुशबू लिए जा रहे हैं, तो मैं क्यों ना इनकी नाक बंद कर देता हूँ जिससे ये खुशबू ना लें और माता रानी के पास ही इसकी सारी खुशबू जाए, सुगंध जाए। तो वो जा करके वो व्यक्ति लड्डू गोपाल की नाक बंद कर देते हैं। तो नाक बंद करते हैं तो लड्डू गोपाल तो भक्त वो जो था, स्वार्थी तो था, पर उसकी पर सेवा लड्डू गोपाल की बहुत आनंद के साथ करता था वो। तो जब नाक बंद करते हैं तो लड्डू गोपाल साक्षात प्रकट हो जाते हैं और उनसे बोलते हैं, लड्डू गोपाल अरे आप कैसे प्रकट हुए, आप तो सारी खुशबू इसकी लेते जा रहे थे। तो वो कहते हैं लड्डू गोपाल जो प्रकट हुए हुए होते हैं, वो बोलते हैं कि कम से कम चल तुझे ये तो पता चला कि मैं भी सांस लेता हूँ, मैं भी सुगंध लेता हूँ, मैं भी खाता पीता हूँ, वरना तो तू तो अब तक अपना ऐसे ही पूजा भाव भोग लगाता था और चला जाता था मेरे सामने भोग रख करके। तो देखिए लड्डू गोपाल उनको साक्षात दर्शन देते हैं, उसके बाद से तो मानो उसकी किस्मत ही पलट जाती है, सब कुछ जैसा वो चाहता था उसके लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ उसके पास वैसा ही हो जाता है, वो फिर से लड्डू गोपाल की भक्ति करने लग जाता है और उनको भोग लगाता है, बड़े प्यार से अपने हाथों से फिर खिलाता है। तो देखिए कुछ भक्त ऐसे भी हैं और कुछ भक्त ऐसे हैं जिनसे सेवा नहीं हो पाती है तो मंदिर में या फिर कहीं पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपना रूटीन बनाइएगा। आप ज़्यादा एक साथ नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके करिएगा और जो आप सेवा कर पाएं वही कीजिएगा, किसी की देखा देखी मत कीजिएगा। आजकल क्या होता है, ये सोचते हैं कि उसके घर पे लड्डू गोपाल हैं, वो बहुत सेवा करते हैं, उनकी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और आपके मन में प्रेम नहीं है, आपके दिल में प्रेम नहीं है और आप लड्डू गोपाल घर में लेकर आ जाएं, तो आप कुछ दिन तो ऐसी सेवा जो देख रहे हैं लोगों को वैसी कर लेंगे, पर ज़्यादा दिन तक आप वो सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके मन में प्रेम है, दिल में प्रेम है लड्डू गोपाल के लिए, तो ही लेकर के आएँ, और आप इस भाव से ना लेकर के आएँ कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से पुत्र हो जाता है या लड्डू गोपाल की सेवा करने से धन धान्य से भर जाता है। तो आप निस्वार्थ भाव लड्डू गोपाल की सेवा कीजिएगा। तो देखिए मैं एक भक्त की आपको एक कहानी सुनाती हूँ, लीला सुनाती हूँ। बांके बिहारी मंदिर में एक बार एक पंडित जी खड़े होकर के राग सुनाते हैं बांके बिहारी को, भजन गा रहे होते हैं, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा। तो उस भजन में एक कड़ी आती है जो वो बोलते हैं, बांके बिहारी से बोलते हैं, आपके चरण कमल में नयन हमारे अटके। तो वो जो भक्त होता है एक भोला सा सीधा सा, ये भजन सुन रहा होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है ये भजन। तो वो सुनते सुनते गाते गाते बांके बिहारी के दर्शन करता है और सुनते सुनते वहाँ मंदिर से निकल के आ जाता है।
और वो भजन गुनगुनाता रहता है, उसको गाता रहता है, दोहराता रहता है। वो प्रभु बाकी बिहारी के प्रेम भाव में इतना खो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता वो भजन को कब उल्टा गाने लग जाता है। उल्टा गाता है, भजन को दोहराता रहता है, चलता रहता है आगे, कहता है आपके नयन हमारे चरण कमलों में अटके, इस तरीके से गाता है। तो भक्त है और प्रभु तो प्रभु है। जब प्रभु की आवाज़ प्रभु के कानों में वो आवाज़ पड़ती है और सुनते हैं कि ये मेरा कैसा भक्त है, इसने तो मेरे ही नयन अपने चरणों में अटका दिए हैं, तो प्रभु ऐसी भक्त की भक्ति देख करके प्रकट हो जाते हैं, उसको दर्शन देते हैं। तो दर्शन देते हैं तो वो तो उसे तो पता ही है, स्वयं उसी रूप में भगवान प्रकट होते हैं, उसको दर्शन देते हैं। तो वो बोलते हैं प्रभु जी आप कैसे, मेरा बहुत सौभाग्य है जो मुझे आपके दर्शन मिले। तो वो बताते हैं, प्रभु बाकी बिहारी उसको बोलते हैं, दुनिया तो मेरे चरणों में अपने नयन अटकाती है, पर तुमने तो मेरे ही नयन अपने चरणों में अटका दिए। तब उसको एहसास होता है कि मैं ये भजन उल्टा गा रहा था कि जिसकी वजह से मुझे प्रभु ने दर्शन दिए। तो देखिए उस भक्त का भाव तो बहुत ही सुंदर था, पर उसको गाते गाते प्रभु में ऐसे खो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कब सीधे से उल्टा गाने लगता है और प्रभु के चरणों में लेटकर क्षमा मांगता है। प्रभु तो बस अब उस भक्त का भाव देखते हैं, वो उल्टा गा रहा है, सीधा गा रहा है, उसने पहले तिलक लगाया है कि आरती की है कि सीधे हाथ से आरती की है कि उल्टे हाथ से आरती की है, कि पहले भोग लगाया है, उनको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। वो तो सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं, उसको क्या करना आता है क्या नहीं करना आता है प्रभु को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आप उनको 56 भोग लगा रहे हो या फिर उनको आप रूखी सूखी रोटी खिला रहे हो, वो तो रूखी सूखी रोटी से भी खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही है प्रभु की लीला। तो आप बस निस्वार्थ उनकी सेवा अर्चना करते रहिएगा। आपके पास जैसा भी है, जैसी भी अवस्था है, जैसी भी सुविधा है आपके पास, आप लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करते रहिएगा। तो देखिए लड्डू गोपाल की सेवा करते करते कब समय भी हो गया, हमारी वीडियो भी पूरी हो गई, लड्डू गोपाल की सेवा भी हो गई, तो पता ही नहीं चला। जब आप करने लग जाएंगे तो सारे काम आपके बहुत आसान हो जाएंगे। हाँ, आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा जिससे आप अपने सारे कार्य समय पर कर सकें। अगर आप लेट उठेंगे, आप सोचेंगे तब कर लें, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे सभी को।